ਗਾਇਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਕੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰਚੋ ਕਿਹੜੀ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਮੱਛੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਪਰ आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लखा करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोनों आल पर मौजूद नाज़रीन तो तक मैं कश्मीरी बैठक तो मैं चुना मेज़बान साकिब नवाज़ कश्मीरी उम्मीद करना जी सारे दोस्तों बाप भैन पर अल्लाह ताला ने फजल करम तो शुक्र नाल ठीक ठाक हो सो खैर वफियत नाल सो अपनी जिंदगी है वह इस अंदाज़ में गुजारने पे उसको माशाल्लाह जनाब दिन इंतहाई खूबसूरत है बड़ा प्यारा जहा किस्म का मौसम हो गया आज़ाद कश्मीर उसने वजह आया कि बारिश बारिश और एक बार फिर बारिश सो रात जी बारिश हो जानी है उस तो बाद दिन जरा थोड़ा जहा ठंडा हो ही जाना और हूँ मैं थोड़ा बहुत हौसला हूँ लगा पाया कि माड़ी शादी तक मौसम जबरदस्त हो सी यानी कि ठंडा हो जाए कड़ी माड़ी पर इसलिए चेक करो टाइम टाइम चेक करो अक्सर बंदे सोचने उसमें कड़ी खराब है एक खराब नहीं जनाब इस पर बिल्कुल टाइम ही आया 12 यानी कि निकी सुई भी 12 पर बड़ी सुई भी 12 पर यानी कि 12 बज चुके हैं जागे सुबह सा लेकिन फिर कुछ बंदे चुके आई गए सो इस वजह से बिजी हो गया सोना पापा वो गेन तो फिर मैं है ब्लॉग शुरू करी कि ना खूबसूरत जहा खूबसूरत जे दिन इच बाहर भी फिर ब्लॉग भी एक दो जगह गया तो बड़ा खूबसूरत जे मौसम आज मज़ा आ गया यकीन करो फिर नया तुरंत इस खूबसूरत जे मौसम की तकीद है जनाब वीडियो लाइक करी ओड़ो यूट्यूब वाले हो तो थले कमेंट भी करे तो फेसबुक वाले हो वीडियो लाइक तो करसो ही करसो शेयर भी करी ओड़े यूट्यूब पर आज वीडियो पर ठीक ठाक लाइक करे पता नहीं तकी किन्ने हो इंजॉय भी करने हो फुल वीडियो भी तकने हो लाइक तो कमेंट ना करना इतनी कंजूसी नहीं चंगी होनी बाकी गल्ला भी होनी है लेकिन सबसे पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग जी तो भैनों प्रो वेलकम हो गया सो सारे की खूबसूरत जे ब्लॉग ने अंदर खूबसूरत जे ब्लॉग ना बकायदा तौर पर असा आगाज करी गिंदा वीडियो उन सा पूरी तकनी एंड तक पार्ट मिस नहीं करना तो दूआ जी मैं गल शुरू पाई है कि लाइक शेयर करना कमेंट शमेंट करना है भुला नहीं बाकी स्टोरी कुछ इस तरह नहीं है कि तैयार हुई है अज खुले डुला से कुर्ता लाया मैं मौसम सोना सो अज कुर्ता लगी जैसे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कपड़े शपड़े तो मैं लाई गिंदे नाश्ता भी करी गिंदा हूँ स्टोरी है सबसे पहला काम है दादी उन्होंने डॉक्टर को जोला उन्होंने खुद भी ठीक उन्होंने चेकअप कराना उन्होंने सो सबसे पहले तो वही कम करसा उस तो बाद उन्होंने वापस कार ड्रॉप करे तो अपने जरा भी रोज़मर्रा ना जरा डेली ना मामला है वो शुरू करसा तो सबसे पहले तो यह कि बाकी मामला जिते तय हो ही चुके उतें कुछ कम काज अजे भी पेंडिंग है और कुछ नहीं बल्कि काफ़ी कम काज पेंडिंग है लेकिन जिते कम काज पेंडिंग है उतें मैं काफ़ी हद तक कम काज करी भी छोड़े कम यह करी उड़ा जनाब कि रूम कारपेट शारपेट ये इंस्टॉल करी उड़ा ये रईसा बैंड कंपनी की बड़ी मेहरबानी है कि उस रात आए तो उन्हें है जी कारपीट बाहना मैं है जी बाहना उन्हें है जी चलो अच्छो असम हेल्प आउट कराने सो कारपीट शारपीट पाई उड़ा हम सिर्फ बैड जोड़ना रही गई है पहले दादी होने की चेक करना डॉक्टर को उस तो बाद तकने गौर अगर इंपोर्टेंट काम ना पाया तो फिर मैं समझना अब बैड भी जोड़ी उड़ा ये भी कम ठीक हो जाए पेड़ों तो प्रो नीचे आया तो स्टोरी कुछ इस तरह नहीं है कि प्लान थोड़ा जहा चेंज हो गया दादी होने की डॉक्टर को नहीं करना सिर्फ दवाई कोई चाहिए वो मैं है जी मैं किन्नी ना फिर मैं आप ही चाहिए सो उस बाद उसमें दवाई छवाई आंसा क्योंकि शामी देनी है और अजय सिर्फ दिन है सो नकाश साहब की मैं फोन किया मैं जी दो ध्याड़े बराबर तुम मिलने रहे हो राह डगने रहे हो सो अज अच्छो बहने तो कोई गपशप मारने है चलो मैं फ्री हाँ घर हाँ मैं चलो अच्छे सुनो भी गपशप मारने बाकी गेट खोले हैं गड्डी स्टार्ट करी तो जुले नकाश साहब की मिलने तकने वो क्या बहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब अपना खूबसूरत जो सफ़र शुरू करना है लेकिन पहले दसा कमरा पर फातिहा फिर नकाश साहब की फोन करसा तो फिर अगली कॉल उसी इंशाल्लाह नकाश साहब की कॉल की वो तो लगेश ने लेकिन माड़ी नज़र पी है जनाब मीटर पर तो इसने तो डीजल ही कोई नहीं गड्डी आलमोस्ट खत्म होने वाला कल मैं कोटली गया लेकिन मैं डीजल क्यों नहीं पुआया शायद मैं याद ही नहीं डीजल पुआने नहीं ये कुदरती माड़ी नज़र पी गई तो नकाश साहब की बहाली तो पहले तो मैं जुलना डीजल पुआना सर बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर क्या हाल है मैं ठीक हां दो त्रै धड़े हो गए सर राज रोकने मैं चलो आज जुला कोई नाल सो एसी तो बगैर रहे दे फिरने हो मैं कोई शक नहीं होता कैसा एक्सपीरियंस जे रहे ए इधर मौसम ठीक ही है बारिशां डेली नहीं ना एसी वे तो फिर मौसम ठीक ही होना ना जाहिर है गड्डी ना आते फिर मौसम ठीक ही है ना तो सुनाओ आजकल कार ही लमे पे होने दा सर क्या वजह बस क्या करिए जेड़े फोन बिजी है फिर कार रियो ता भी टुई कोई नहीं ना रियो ता भी टुई कोई नहीं गरीब आदमी की मार ही है इस मुल्क में हर पास बार चलो अच्छा नकाश साहब मैं था आया तो मैं याद आया कि डीजल गड्डी मिलू कोई नहीं सर डीजल तुम की पता महंगा होने वाला तो बेहतर है कुछ जेब पर हाथ मारो फुल कराइए जेड़े चार दिहाड़े कट चलो डड़ियाल जुलो फिर हाँ डड़ियाल चलो डड़ियाल जुलने तो फुल कराने माशाल्लाह जी डैम इसलिए बिल्कुल अपने लेवल पर है और कहते पानी क्यों नहीं कटाने जी पानी इंशाल्लाह दिसंबर
कल मैं एक सब बंदे को कुसा मिकी बाया है मैं पानी को दुले सी है छोरी शादी तो बाद मैं किया मैं बेला शादी कर सो एक ऐसा सवाल होया सो दिसंबर ही जाने पानी ले सी नहीं पर चलो तको पानी को दुले लेना बाकी जुले डडियाल डीजल मांग क्योंकि नकाश साहब भी एक बड़ी शॉकिंग न्यूज दी है डीजल महंगा हो गया कितना का कोई सूचना अनुसार खबर लगी है सर जो डीजल लेना वो कम अज कम 20 रुपए प्लस यानी कि जुनो ट्रिपल सेंचुरी पाकिस्तानी करंसी इतनी डीवैल्यू हो चुकी है जिसमें कोई शुमार नहीं नकाश साहब अभी होने सो मैं तो एटीएम यूज करने है चेक बुक तो खैर था तक ही नहीं बहुत ट्रांजैक्शन करा कढ़ा सा 4-5 हज़ार रुपया कढ़ाने हूँ यकीन करो 20-30 हज़ार रुपये तू थले अगर सो पैसे रोज कढ़ाने हो कोई समझ नहीं ये भी तुम इतने पैसे कढ़ाओ तो बहुत ज्यादा रकम बननी है यकीन करो कुछ भी नहीं पता लगना हम डीजल पुआ सा क्या गैस है 14-15 हज़ार रुपये ना देना 14-15 हज़ार रुपया डीजल पी जैसे अगर 20 हज़ार रुपया कटाया तो 15 हज़ार रुपया डीजल पीछे बचा 5 हज़ार रुपया उस 5 हज़ार रुपये ने क्या कहो हुकमरान भी शक है हूँ आने भाई मुल्क डिफॉल्ट नहीं होया मैं नहीं होया था ये लाते जो हो गया तो क्या बन सी अल्लाह ही है को रहम करे फुल करियो फुल चेक करने आज फुल कितने नहीं पैनी है भाई निकाश है कोई 10 हज़ार रुपये धारा लफ सी फिर गिनी गिनो फालतू ना लगा जा आ गया जी अपना प्यारा डुडियाल डुडियाल से जैसे एक तो कोई दवाइया कि नहीं आसन दूसरा है जनाब के उस्मान साहब की उस पेमेंट नहीं की मैं आज पेमेंट करी जुड़ा खर्चा जो होना थोड़ा और सही भेड़ों तो प्रो पहुंचे पापे उस्मान को उस्मान साहब ए पापे जेड़े बंदे जाने ना भी जान छड़े नसने ना लेकिन यह आके एक हल नहीं वैसे इस चीज ना इसमें कुछ ना कुछ हल बेहतर होना चाहिए ना साढ़े नजरिए मुताबिक ओ चलो ए त लगाया ना सारी दुनिया नाल अस कर लेता है कोना साकब भाई ठीक है चलो तुसा ए तको अपने ऊपर ना तको अपने तो थले तबके की तको थले ले कितने रुपए ठीक है मजदूरी दिहाड़ 1200 रुपए में क्या दसो कितना पूरी बाणा बस कुछ अच्छा जुना सो की टूड़ा प्लान जाओ के चलो आज ये टूड़ा माड़ी तरफ है खबरदार जे कितने ना मैं देसा पैसे या मैं देसा फिर सन में लाड़ के डींसा में भाई चलो पार रोटी खाई या फिर इधर मर्जी जाओ मैं ना पूछना चलो आज ले पार बेने खाना खाना दोस्तों बाद मिलना उस्मान साहब सलाद खाई गई मरी किनका तक रहना देसन बस पापे आ ही गया आ जाओ आ जाओ तक एक जोर मंगा राज मैं सलाद ही खाना तक वो आई गई चलो तनिया का क्या ने ये चेक करने चलो चेक करने
खुशबू तो ना पास करी सकने ना टेस्ट पास करी सकने चलो कोई नहीं बाकी हाँ तू ठीक बनाएगी क्या उस बगैर किसरा कुछ पता लगती तू घरे खा दी मैं आना बाकी माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत जहा इस्लाम माहौल है तो मैं उस्मान साहब बिस्मिल्लाह करो वक्त जाया ना करा चलो बिस्मिल्लाह करने गाय साहब एक खाने वास्ते नहीं मिकी हाली बहुत किंचो केड़ी सर ये भी सुनी है ये अगर गोल्डन रंग पसंद है तो ये भी ठीक है ना तब नहीं तो पसंद ही नहीं है ये छोटियां निकिया ए बू निकिया ना ये खाना स्वाद रे बढ़िया हो सुनना तो वो बढ़िया और हो सुनना ये पलके टैंकी एक बड़ी पे सी ना मत चलो को पसंद करना है वाह वाह पापे की ये जो ग्लास भी चाहिए जिसने जो रखा कहते खुराक भी जोली बेसी चलो जुलना जुलना भेनों तो भ्राओ असा बड़े हो गए लेकिन साड़ी ख्वाहिशा जमें बच्चियां ले आई हैं बाकी आज जुलियां मच्छियां चलो दो चार दिन इन्होंने शुगल मेला लाया था किस्सा कुछ रहे पापा तक पहला उठना दी उड़े नकाश से पहला उसको ये सवाल किया ये खाई कितने अर्थे पा सकने यार नकाश हर खाने की चीज यार नकाश यार फिर बद सन सही ना तो तू खाना जाना है मन मच्छी कम से कम होनी चाहिए तू खाना जाना है फिर इसकी जहर है बड़ी है फिर सीखा तकने कितने दड़े कटनी है गाइस मेहरबानी मच्छी जीनी है ना मच्छी जीनी है क्या अपना पैर थले आई सी दो तो फाते अल्लाह ही है जे को कमी बेशी हुई ना तो मैं तू फोन करसा तो तू ग्रिल कर ले वो नासो ग्लोब नहीं ग्लोब नहीं है मच्छी रखसा वाओ ए खराक है मच्छी विच पाई मैं कुछ और सोचिया ना ना और कुछ भी क्लियर करी भैया ये ना आईनो नशास्ता है चलो बाकी गाइस आपके लाने जुले कार ते मच्छी जुले ना फिर पता लग सी कि घरे ने क्या रिएक्शन रचना या घर आए क्या सोचना है मैं तो माटर फोन के गिफ्ट ही है हूँ तपी ना जाने भी कोई पता नहीं होना माशाल्लाह 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 मच्छियाँ छड़ियाँ आई गई जनाब अपने ठिकाने पर इतों सही दिसनी है माशाल्लाह क्यूट पहले तो भ्राओ स्टोरी कुछ इस तरह नहीं है कि मच्छियाँ घर आई गई सब सो करे घर कौन सन सारे गए शॉपिंग शॉपिंग करने वास्ते तो मैं उनको उसकी दस बाकी है कि उन्होंने वापस आए सन तो मैं तक ना कैसा रिएक्शन है मैं भी आ गया कमरे च पापा थोड़ा लंबा पी रहा तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करना है नींदर आई हुई है क्योंकि कल कोटली का सफ़र बड़ा लंबा सी एंड वापस आया फिर काफ़ी कम काज से वो किते सो इस वजह से थोड़ी जी रेस्ट बननी है नींदर आई हुई हो सड़े जनाब सड़े से पहले मैं वीडियो एडिट करी ओड़ा तो अपलोडिंग पर लाया होना क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट इतना स्लो है कि ठीक ठाक टाइम लगी जाना बाकी तो सारा बहुत शुक्रिया इतना थोड़ी व्लॉग तक अल्लाह ताला सारे सलामत रखा है खुश रहो आबाद रहो हंसने रहो वसने रहो कश्मीरी बैठक तक नहीं रहो बहुत जल्दी मुलाकात होनी है तब तक वास्ते फिर मान लो।